हाय स्टूडेंट, मैं आर्य यादव और ये मेरा नया चैनल क्रिएट किया हूँ। और इस चैनल में आप लोग को नाइन्थ क्लास से एमएससी फाइनल तक के सभी मैथमेटिक्स सॉल्यूशन आप लोग को मिलेंगे। इसलिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। हम लोग देखेंगे आज नाइन्थ क्लास का हेरोल्स फार्मूला देखेंगे, जो आर डी शर्मा बुक से लिया गया है। एक कंसीडर करते हैं, कंसीडर में हम लोग देखेंगे एक ट्रायंगल का कंसीडर करेंगे। वह ट्रायंगल हो जाएगा हम लोग का, ये एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जो ए बी सी, जिसका नाम है हम लोग का ए बी सी। इसका जो साइड होता है, एंगल ए का साइड जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा ए, और इसका हो जाएगा ये बी हो जाएगा, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। ये साथ ही साथ इसमें एक क्या कर देते हैं हम लोग, पेपेंडिकुलर डाल देते हैं जिसको कहते हैं लंब। ये है इसका हाइट जो होता है एच। अब यहां से ये वाला जो पॉइंट है उसका नाम दे देते हैं हम लोग डी। अब यहां से क्या है बी सी, बी सी का डिस्टेंस जो है, बी और सी का डिस्टेंस जो है वो ए है, इसलिए हमें ज्ञात क्या करना है, इसका डिस्टेंस पहले देख लेते हैं। तो डी सी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब उसके साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे, इसमें टू ट्रायंगल मिल रहा है ए डी सी, और दूसरा हो जाता है हम लोग का ए डी बी, ए डी सी और ए डी बी हो जाएगा। तब यहां से हम लोग देखते हैं, प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है एस इक्वल करके एरिया, एरिया इक्वल करके हो जाता है हम लोग का अंडर रूट एस, एस माइनस ए और s माइनस बी, और हो जाएगी ये एस माइनस सी। यदि मान ली जाए ट्राइंगल का तीनों साइड हमें ज्ञात है, तब उस स्थिति में हम ये फार्मूला का उपयोग करते हैं। ये हो गया। अब इसको, इसका क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ कैसे करते हैं, तो हम लोग देखेंगे लेट ट्राइंगल हो जाएगा ए डी सी, ये हो जाएगा ए डी सी, ए डी सी फ्रॉम लिख सकते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस क्या हो जाएगा हम लोग का थ्योरम से, ये हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय का जो थ्योरम होता है वो ये होता है कि कर्ण का वर्ग ये साइड का, ये हो जाता है क्या हो जाता है हम लोग का एडी जो होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, एसी, एसी इक्वल करके क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस जो होता है वो कर्ण कहलाता है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां से हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल करके हो जाएगा हम लोग का ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये इतना हो जाता है। तब यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर इक्वल करके ए डी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का एच का स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा डी सी मतलब हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, ये एच क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट के परपेंडिकुलर है, दोनों के लिए है, कॉमन साइड है, इसके लिए ए डी सी और ए डी बी दोनों के लिए क्या है एच परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और दोनों के लिए क्या हो जाएगा ये कॉमन साइड हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हमें करना पड़ेगा, एच का वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। तब हम लोग देख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल करके एम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल करके हो जाएगा यहां से एच स्क्वायर प्लस अब एक्स स्क्वायर, यहाँ एच का वैल्यू निकालेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल करके हो जाएगा हम लोग का ये बी स्क्वायर माइनस अब एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीका से, सिमिलरली इसी तरीका से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ए डी बी त्रिभुज आप, या तो ट्राइंगल आप क्या हो जाएगा ए डी बी फ्रॉम क्या हो जाएगा ये पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा यहां से, ये इसके लिए क्या कहलाएगा कर्ण कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा हाइट कहलाएगा। इसलिए सेम साइड इक्वेशन फर्स्ट जैसे कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहां से मिलेगा सी स्क्वायर इक्वल करके एबी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इक्वल करके एडी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का बी डी स्क्।
स्क्वायर, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की साइड का वैल्यू ए है, तो इसका और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है हम लोग का एक्स है, इसलिए इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस आर एक्स हो जाएगा, ये यहां तक ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तब हम लोग देखते हैं एस स्क्वायर एड स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीडी का स्क्वायर मतलब ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहां से क्या करते हैं एच का वैल्यू पुट करते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल करके हो जाएगा, इसको इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल करके सी स्क्वायर माइनस ऑफ ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस टू ए एक्स, ये इतना लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल करके लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स लिख सकते हैं। अब यहां से क्या कर देंगे ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। यहां देखिए एच स्क्वायर सेकंड इक्वेशन जो मिलता है हम लोग का एच स्क्वायर इक्वल करके सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। अब यहां से क्या करेंगे एच है एच दोनों में कॉमन है क्या है पेपेंडिकुलर है दोनों के लिए कॉमन है, तब लिखते हैं हम लोग यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो एक्स एच का वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं तो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ एच पुट इन द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट इसको इक्वेशन ये मिला था सेकंड इक्वेशन क्या है ये है हम लोग का, यहां से क्या करेंगे एच का वैल्यू इसमें रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन से एच का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तब यह हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल करके हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, ये इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे देखो यहां पर क्या है माइनस चार्ज में एक्स स्क्वायर है साथ ही साथ क्या हो जाएगा ये राइट साइड में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा या तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। तब मिलता है हम लोग का बी स्क्वायर इक्वल करके ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। अब यहां क्या करना है हमें इसको प्रूव करने के लिए ये सभी क्या है एबीसी है जो साइड कहलाता है उसका एबीसी क्या है साइड है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे एक्स वेरिएबल है एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से टू ए एक्स इक्वल करके हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस ऑफ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ हो जाएगा हम लोग का ए का स्क्वायर। तब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग एक्स इक्वल करके बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में क्या हो जाता है टू ए हो जाएगा। अब यहां क्या कर देंगे एक्स का जो वैल्यू है उसका एक्स का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर एक्स का वैल्यू क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये फर्स्ट इक्वेशन है हम लोग का एच स्क्वायर इक्वल करके बी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां रखने पर एक्स का वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल करके बी स्क्वायर माइनस यहां से लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा टू ए और ये क्या है यहां पर स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं हम लोग एच स्क्वायर इक्वल करके ये फार्मूला में है हम लोग का बाई फार्मूला हो जाएगा ए ए स्क्वायर माइनस अब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के फार्मूला में है ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और दूसरा लिख सकते हैं ए माइनस अब बी ये इतना हो जाएगा। सेम साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से देखते हैं बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस फर्स्ट में माइनस रखेंगे दिया हो जाएगा ब्रेकेट और ये छोटा वाला ब्रेकेट में लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है ए का स्क्वायर ये क्लोज हो गया और ये इसके साथ में क्या हो जाता है हम लोग का टू ए। सेकंड पार्ट में जो होगा वो क्या कहलाएगा बी प्लस यहां से लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर ये क्लोज हो गया अपान में क्या हो जाएगा टू ए। नीचे को मिटा देते हैं ये इतना हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल करके ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये एलसीएम निकाल लेते हैं इसके अपान में कुछ नहीं मतलब वन है एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टू ए बी माइनस अंदर ले जाते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हम लोग का
ये अंदर जाएगा तो माइनस बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर। ये कर देते हैं, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, अपान में सभी का क्या हो जाएगा टू ए। अब यहां से क्या हो जाएगी ये, इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। ये क्लोज हो गया, अपान में क्या हो जाता है हम लोग का टू ए हो गया। अब यहां देखते हैं हम लोग एच स्क्वायर इक्वल करके ये दोनों में है, दोनों में से कॉमन लगा देंगे निकाल देंगे, क्योंकि यहां पर क्या है इनटू साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा टू और टू वन अपॉन फोर, और ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये हम लोग का फार्मूला बेस्ड कंडीशन है, तो फार्मूला में क्या हो जाएगा, यहां से देखो टू ए बी, और यहां क्या है ए और बी दोनों क्या है माइनस में, तो इसको एक साइड में लिख देते हैं और इसको अलग कर देते हैं, तब क्या हो सकता है हम लोग का ये टू ए बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर और प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग का सी का स्क्वायर। ये दूसरा साइड में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी है टू ए बी, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी के साथ में अटैच करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो टू ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब उसके बाद देखते हैं ये हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल करके ये फार्मूला में है तो वन अपॉन फोर ए का स्क्वायर इक्वल ये फोर ए स्क्वायर अंडर ये हो जाएगा हम लोग का ब्रैकेट ऑफ टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि मान लीजिए इतना को अलग कर देंगे एक ब्रैकेट में रख करके, यदि उसमें माइनस बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का एक ब्रैकेट बना देते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहां से टू ए बी हो जाएगा और ये बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट बन गया छोटा वाला ब्रैकेट। अब ये क्या है प्लस ऑफ सी का स्क्वायर अलग से हो गया और ये बड़ा ब्रैकेट में क्लोज हो गया। ये क्या है ए बी टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये क्या है सभी प्लस चार्ज में है, तो प्लस चार्ज में होने के कारण क्या है इसमें कोई कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये छोटा ब्रैकेट में डाल देते हैं और उसके बाद माइनस ऑफ सी स्क्वायर और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। उस स्थिति में क्या होगा हम लोग का एच स्क्वायर इक्वल करके वन अपॉन फोर ए स्क्वायर, यहां से माइनस बाहर कर देंगे तो माइनस लिख करके हम लोग ये लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इतना प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग का सी स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या है सीधा सीधा है तो इसमें कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस वगैरह कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा लिखेंगे तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी का स्क्वायर, ये क्लोज हो गया, ये इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एच स्क्वायर इक्वल करके वन अपॉन फोर ए स्क्वायर, इसको अल्टरनेट चेंज करके लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, ये इतना लिख सकते हैं। फिर अब यहां से ये आगे देखेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल करके वन अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग ए मान सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं बी मान सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के फार्मूला हम लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का ये बी हो जाएगा। सेम साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सेम फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं यहां पर, तो यह हो जाएगा सी माइनस ए माइनस अब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हो जाएगा हम लोग का सी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, ए ब्रैकेट क्लोज हो गया। सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसको मिटा देते हैं, सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा हम लोग का ए प्लस बी और माइनस सी, और ये हो जाएगा दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हम लोग का ए प्लस बी प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग का सी, एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल करके वन अपॉन फोर ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो सी माइनस ए प्लस अब क्या हो जाता है बी हो जाता है, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का सी प्लस ए माइनस अब बी हो गया, और ये और ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाता है ए प्लस बी माइनस सी हो गया,
और ये और ब्रैकेट में लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ये इतना हो जाता है, ठीक है। बट हम लोग ये जानते हैं, इतना तो इसका सोल्यूशन हो गया, बट हम लोग ये जानते हैं, बट क्या जानते हैं, एस इक्वल करके ए प्लस बी प्लस सी अपान में क्या हो जाता है, टू, ये हो गया। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, एक फॉर्मूला, और ये ए प्लस बी माइनस सी है, तो सभी का वैल्यू निकाल देंगे, सभी का वैल्यू यहां से निकाल करके इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तब क्या आता है, यहां से फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो 2s इक्वल करके क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पर इतना लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो प्लस वाले को उठाकर ले लेंगे तो b प्लस सी, तो b प्लस सी को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2s माइनस a इक्वल करके b प्लस सी, एक इक्वेशन हो गया, ठीक। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं a प्लस सी माइनस अब बी, तो a प्लस सी ये हो गया, a प्लस क्या हो जाएगा c, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस अब बी, ये दोनों को रख देंगे और b को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 2s माइनस बी इक्वल करके a प्लस सी, सेम साइड में क्या हो जाएगा हम लोग का, a प्लस बी माइनस अब सी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस अब सी, तो c को इधर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि c माइनस में है, तो 2s माइनस सी इक्वल करके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये सभी वैल्यू को क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड भी मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, थर्ड में पुट कर देंगे, तब क्या होगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का एच स्क्वायर इक्वल करके मिल जाएगा फोर, वन अपॉइंट फोर होगा, वन अपॉइंट फोर ए स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट आप, यहां पर क्या है ए प्लस बी, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी हम लोग का कहा है ये, तो क्या लिखेंगे टू एस माइनस ए माइनस ए, टू एस माइनस ए माइनस आप ए, ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, दूसरा ब्रैकेट में क्या है ए प्लस सी, तो a प्लस सी, तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग 2s a प्लस सी, 2s माइनस अब क्या कर देंगे हम लोग b, और फिर माइनस अब क्या है b है। तीसरा इक्वेशन में क्या है, तीसरा पार्ट में जो है हम लोग का a प्लस बी, तो a प्लस बी में क्या कर देंगे 2s माइनस क्या हो जाएगा c, और माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का c, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहां पर ए बी सी के स्थान पर क्या लिख देंगे हम लोग 2s, ये इतना हो गया। तब हम लोग देखते हैं एच स्क्वायर इक्वल करके 1 अपॉन 4 ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2s माइनस आप 2a, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर क्या हो जाएगा 2s माइनस आप 2b, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, अब ये 2s माइनस 2c, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और 2s क्या है हम लोग का बाहर में, ये इतना लिख सकते हैं। सभी में से क्या कर देंगे एच स्क्वायर लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहां से सभी में 2 2 कॉमन है, 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन, और ये भी 2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख देंगे हम लोग 2 लिख देंगे। s को सामने ले आते हैं तो s हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा हम लोग का s माइनस a, और s माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और क्या हो जाएगा s माइनस c हो जाएगा, ये क्लोज हो गया इतना में। अब हम लोग देखते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल करके यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 ए स्क्वायर, यहां से लिख सकते हैं हम लोग, या तो फिर कटा देंगे तो पर भी चलेगा, ये इसके साथ में ये दो का मूव दो हो गया, और दो दो ने चार, ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास बचा क्या, ये हो जाता है 4 हो गया, 4 ए का स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाता है ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं एस, बड़ा वाला ब्रैकेट हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा s माइनस ए, और s माइनस बी, और s माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का c हो जाएगा। इधर क्या है h स्क्वायर है, h स्क्वायर की तरह ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, h स्क्वायर को h स्क्वायर है, और स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये सभी रूट में क्लोज हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा रूट ऑफ 4, ये यहां से ये है 1 अपॉन 4 ए स्क्वायर है, 4 अपॉन ए स्क्वायर था, ये कट गया है, तो यहां पर सिर्फ क्या बनेगा ए स्क्वायर, और इधर से 2 आकर के क्या हो जाएगा हम लोग का 4 ही होगा, 4 अपॉन में ए का स्क्वायर।
अब यहां से क्या हो जाएगा, ये सब एस लिख सकते हैं, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल करके टू अपान ए, यहां से ब्रैकेट के रूट के अंदर में क्या हो जाएगा हम लोग का, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बट हम लोग जानते हैं, या तो फिर वी हैव हमारे पास है, लिख सकते हैं वी हैव हमारे पास क्या है, एरिया इक्वल करके क्या हो जाता है, एरिया एस इक्वल करके हो जाएगा हम लोग का वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, ये हो जाता है। एच का वैल्यू यहां रख देंगे, यहां से ये यहां से एच का वैल्यू क्या कर देते हैं, यहां रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, एरिया इक्वल करके वन अपॉन टू ए। अब यहां से क्या है, ऑलरेडी टू अपॉन में क्या हो जाएगा, ए, ये हो गया। अंडर रूट के अंदर में क्या हो जाएगा हम लोग का, एस और एस माइनस ए और एस माइनस क्या हो जाएगा, बी और एस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। ये टू इसके साथ कैंसिल, ये ए और इसके साथ कैंसिल, अब बचा क्या हम लोग के पास, यहां बचा हम लोग के पास एरिया, एरिया ऑफ जो फार्मूला बचे क्या बचेगा हम लोग के पास, एस अंडर रूट के अंदर में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो जाता है हम लोग का, सी, ये इतना हो जाता है। अब इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था, ये होता है हम लोग का हेरेंस फार्मूला।